और बहुत भाई कह रहे थे कि सिनेमेटिक वगैरह का क्या सीन होता है। देखो सिनेमेटिक में कुछ नहीं होता भाई, बस आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। देखो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, बस ये छोटा छोटा क्लिप है। देखो छोटा छोटा क्लिप है, सिंपल होता है यार, आप लोग करने लगोगे ना तो आदत सा हो जाएगा एकदम, कुछ हार्ड नहीं है भाई। हेलो भाई, मैं वंकित। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को ये वाला वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि ब्लॉगिंग कैसे शूट करते हैं, एकदम डिटेल में बताया था भाई। और उस वीडियो पे आप सभी ने भर भर के प्यार दिया है, मजा आ गया देख के भाई। तो लिटिल लिटिल उसी वीडियोज पे कुछ भाइयों का डिमांड था कि एक एक्चुअल ब्लॉग बना के दिखाओ कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे म्यूजिक लगाया जाता है, कैसे पब्लिक में शूट किया जाता है। तो मैंने सोचा यार भाइयों का डिमांड पूरा ना करूं या फिर बहनों का डिमांड पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है। आओ आज मैं आप सभी को भाई रियल लाइफ में ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, मतलब जैसे मैं जाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट में बताऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। ये 3 मिनट का ब्लॉग बना है भाई, आप ब्लॉग को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो फिर भाई मजा नहीं आएगा, इसीलिए 3 मिनट का ब्लॉग है। वैसे ये वीडियो का लेंथ तो ज्यादा होगा भाई क्योंकि इंट्रो वगैरह लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ब्लॉग 3 मिनट का ही बना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई पूरा एंड तक देख के ही जाना, बहुत चीज सीखने को मिलेगा भाई, बहुत चीज है। हेलो भाई, मैं अंकित भाई, अभी मैं देखो खेत में खड़ा हूँ, धान वान इधर कट चुका है। अंकित भाई कैसे हो? ठीक है भाई। कहाँ जा रहे हैं भाई? अपन जा रहे हैं मोबाइल लेने। मोबाइल लेने? यस यस। भाई को रहा नहीं जा रहा भाई, सुबह से एकदम मेरे को परेशान किया है। अभी कितना टाइम हो रहा है दबाना जरा? 1:18 हो गया, बता अभी टाइम मिला है तो मैं आया हूँ। कौन सा फोन लेने जा रहे तू? यही वीवो T2X। बैक गियर है इसमें? बैक गियर लगाओ। तो आई भाई बस पहुंचने ही वाले अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब शॉप पे। अंकित भाई एक्साइटेड हो एकदम? यस सर, एकदम बहुत ही ज्यादा। हाँ। भाई कोई भी नया फोन लेता है ना तो एक्साइटेड ही रहता है। तो अभी भाई एक जगह आए थे, भैया का दुकान देख लो, यहाँ पे भैया बहुत महंगा बता रहे। कितने का बता रहे अंकित? 1350। हम लोग 12,000 का लेने वाले हैं। भाई ट्रक वाले यार पता नहीं दिन में क्यों सिटी में चलते हैं, देख रहे हो पूरा रास्ता छेद कर रखा है भाई। लॉक कर दिया ना भाई? लॉक कर देना यार, कोई टकरा के लेके भाग जाएगी। भाई यहाँ पे भी यार है उतना ही रेट है यार, 13,500 रुपए। बाकी भैया ऑप्शन में भैया बाकी ऑप्शन दिखला रहे हैं, रियलमी का, ये भी रियलमी का, ये हो गया अपना सैमसंग, ये भी प्रीमियम लग रहा है भाई फोन देखने में। 3 कैमरा इसमें, बाकी ये एक मोटरोला का ट्रेंडिंग में चल रहा है G54, इसमें 8 GB रैम है ना, देखना जरा भाई कितना बढ़िया कैमरा उसमें है। मानना पड़ेगा भाई सैमसंग को, सैमसंग कैमरा खातिर बेस्ट है, डिस्प्ले खातिर, लेकिन मन तो यही है भाई लेने का। देखते हैं भाई, नहीं बना यार कुछ बात। अभी भाई आए थे डोसा खाने, डोसा वोसा तो खा लिया भाई। अंकित भाई तूने खा लिया? पेट भर गया भाई? देखो कन्फ्यूज है यार हम, मतलब T2X ले या फिर दूसरा ले लें, क्योंकि पता है बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि उसमें बैंड सही नहीं है, मतलब नेटवर्क सही नहीं आएगा, 5G मजेदार नहीं चलेगा। कोई बोल रहा है 6 बैंड है, कोई बोल रहा है 2 बैंड है, तो कन्फ्यूज़न है भाई बहुत ही ज़्यादा। अंकित भाई तो इतना कन्फ्यूज़ है ना, देख रहे हो ना इसके चेहरे से तो पता चल ही रहा होगा। तो फिर पता ये सोच रहा है ना कि अगर हम वीवो का T2 लेते हैं जो 16,000 का आता है, उससे अच्छा मोटो का G54 नहीं ले लेंगे? उसी का हम लोग अभी रिव्यू वगैरह देख रहे थे। देखो भाई ये वाला है, मतलब ये आपको 8 GB 128 GB दे रहा है मात्र 14,000 में है, 700 रुपये ज़्यादा लग रहा है इसमें ना, 700-800 रुपये ज़्यादा, जिसमें 8 GB रैम मिल रहा है, प्रोसेसर भी इसका तगड़ा है भाई, और बैटरी भी इसमें 6000 mAh का है। तो भाई हम लोगों ने T2X को गोली मार के इसको डन कर दिया, मोटो G54 को इसको खोलते हैं भाई। चलो जी भाई हो गया शॉपिंग। ओहो, नया नया सा फोन लौंडे ने ले लिया, अब चलते हैं भाई। तो देख लिया जी, इंटरेस्टिंग लगा ना ब्लॉग? भाई मैंने थोड़ा सा भी उसमें बोरियत वाला पार्ट नहीं रखा है, थोड़ा सा भी। तो भाई इस ब्लॉग को मैंने शूट करा है आईफोन 15 प्लस में, और एडिट मैंने किया है ये एप्लीकेशन से VN, जो फ्री में भाई प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। बाकी एडिटिंग कैसे करा है मैं आपको दिखलाया था, ये वाला प्रोजेक्ट है भाई। बाकी हाँ क्लिप देखो भाई, थोड़ा थोड़ा मैंने कट लगाया है, और इसमें मैंने बोरियत वाला कुछ चीज़ रखा ही नहीं है। देखो ये ऊपर में आपको म्यूजिक दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं म्यूजिक नहीं बजा है, जैसे यहाँ से अपन निकले
यहाँ पे म्यूजिक बजा है, देखो बज रहा है ना म्यूजिक, तो वही थोड़ा थोड़ा म्यूजिक लगाना पड़ता है देखो, फिर म्यूजिक कट गया, फिर उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ है, देख लो लगा हुआ है ना। तो अगर आपको VN के बारे में मतलब पूरा डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो उस पर भी बना दूंगा, लेकिन ये वाला तो भाई एक मैंने आपको ब्लॉगिंग करने के लिए सिखाया है ना बस, तो आपको भी ऐसे ही भाई ब्लॉग बनाना है। सूट तो बहुत ये मतलब 15-20 मिनट का ब्लॉग था, लेकिन मैंने इसको देखो 3 मिनट का बनाया है भाई, फालतू का जितना भी चीज़ था हर चीज़ काट दिया हूँ इसमें से। और बहुत भाई कह रहे थे कि सिनेमेटिक वगैरह का क्या सीन होता है, देखो सिनेमेटिक में कुछ नहीं होता भाई, बस आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, देखो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, बस ये छोटा छोटा क्लिप है, देखो छोटा छोटा क्लिप है, सिंपल होता है यार, आप लोग करने लगोगे ना तो आदत सा हो जाएगा एकदम, कुछ हार्ड नहीं है भाई। भाई सच बता रहा हूँ, ब्लॉग बनाना बच्चों का खेल है, मेरे को तो इतना इजी लगता है ना भाई, लेकिन मैं बनाता नहीं वो बात की बात है, लेकिन बहुत ही इजी लगता है और मजा भी आता है ब्लॉग बनाने में। और मेन क्या है ना भाई, ब्लॉगिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, मतलब स्क्रिप्टिंग नहीं करना पड़ता, जो दिख रहा है भाई वो अपने अनुसार बोल के बना दो। लेकिन अब मेन खेल हो जाता है भाई एडिटिंग का, अगर आप अच्छा एडिटिंग करोगे, म्यूजिक वगैरह लगाओगे, सिनेमेटिक वगैरह लोगे, तभी ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉग कैसे शूट करते हैं, प्लस में कैसे एडिट करते हैं। VN से एडिट करो भाई, काइन मास्टर फाइन मास्टर का चक्कर में मत पड़ो अभी स्टार्टिंग में, VN बहुत ही बेहतरीन ऐप है हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर के लिए, हालांकि एंड्रॉयड में थोड़ा सा फंसता है भाई, लेकिन हाँ वो एडजस्ट करने वाली बात है। मैं भी पहले एंड्रॉयड में ही यूज करता था भाई, अब ना आईफोन लिया हूँ कमा के, नहीं तो 1.5-2 साल तक मैंने एंड्रॉयड ही यूज करा है भाई, जब तक मेरा मेन चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। बाकी हाँ, और भी कुछ क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई, आप बिंदास पूछ सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।